छापा मार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उसकी फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा सांड, जान बचा करके भागे तीमारदार, यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड, बताइए ये हालत है? यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की? सुना है ये अस्पताल नहीं चला पा रहे, और लग ये रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे, और इसलिए अस्पताल नहीं चला पा रहे हैं, चला रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की, अब 15 सीएससी देने जा रहे हैं प्राइवेट में, 15 सीएससी। और ये तो हमारे छापा मार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उसकी फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा सांड, जान बचा करके भागे तीमारदार, यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड, बताइए ये हालत है? यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की? और चलिए अब हो गया, आवारा कुत्तों का कहर सरकारी अस्पतालों में, क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में? शराबस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की? चलिए उसको फिर बोलिए आवाज। किस जिले का मैं बताऊं, हरदोई का बताऊं, किस जिले का बताऊं, किस जिले का ना बताऊं? अच्छा, जिला अस्पताल हुआ, मरीजों से हाउसफुल, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड नहीं, और अगर मरीज जाता है तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता, कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जाए, बंबई जाए, जाने कहां कहां जाते हैं, वहां होर्डिंग लगे हुए, इतने मेडिकल कॉलेज, किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था उसके बारे में बताया था, शाहजहांपुर के बारे में, आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ, स्टाफ कुछ है ही नहीं। क्या नेतृत्व 6.5 साल से आप कर रहे हैं? बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं, ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 trillion इकोनॉमी का? क्या आपको अपने वित्त विभाग पे भरोसा नहीं? आपने कंपनी हायर कर ली बाहर से, क्या आपको अपने आईएएस अधिकारी पे भरोसा नहीं कि वो फैसला नहीं सही लेंगे? आपने नीति आयोग, तमाम सुझाव देने वाले एक्सपर्ट, किसी की परवाह नहीं, केवल आपने एक कंपनी हायर कर ली कि यही बताएगी कि $1 trillion इकोनॉमी कैसे होगी? इसका मतलब सब विभाग आपके खराब? अब जवाब आ जाने दीजिए। तो ये हालत है, और फिर जितना कहा था उससे ज्यादा बोल, बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित था, मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित नहीं करा। जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए? आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। ये कल की घटना है, और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ, केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में, और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल या सदन में रखा जाता है,
ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं।